आज प्रोटॉन कॉम्बिनेशन में एक स्पेशल प्रॉब्लम को हम लोग कंसीडर करेंगे। एक्चुअली जब भी गर्ल्स और बॉयज़ एक साथ जब बैठती हैं और बहुत सारी कंडीशंस दी जाती हैं, अभी हम लोग उन सारे कंडीशंस को कंसीडर करेंगे इस सेशन में या इस टॉपिक में। लास्ट तक अब जाएंगे तो बॉयज़ और गर्ल्स के सीटिंग अरेंजमेंट में जितने तरीके की प्रॉब्लम बन सकती हैं उन सारे प्रॉब्लम को लास्ट तक हम लोग कंसीडर करेंगे और सारे कन्फ्यूज़न क्लियर होंगे। ये कन्फ्यूज़न है ही नहीं, इनको लगता है तो उन्हें एक जैसी प्रॉब्लम इसलिए लगती है कि वो समझ ही नहीं पाते कि बैठना कैसे है। एग्जैक्टली पहले समझेंगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ पर डिफरेंट है, डिफरेंस है। हर एक केस को एक एक साथ अलग अलग कंसीडर कर रहे हैं, वन बाई वन देखते रहेंगे हम लोग। यहाँ पे वन बाई वन सबसे ज़्यादा जो मोर एक्यूरेट केसेस हैं, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं, वो केसेस हमने कंसीडर किए हैं। बॉयज़ की संख्या जो है 6 ली है और गर्ल्स की संख्या या नंबर ऑफ गर्ल्स 4 हैं। यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं, बस क्वेश्चन कहाँ पे डिफरेंट होगा, डिफर कहाँ करेगा, प्रॉब्लम में देगा कि 5 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं, ऐसा बोल सकता है। बोल सकता है कि 4 बॉयज़ हैं और 6 गर्ल्स हैं, और जैसा कि यहाँ लिया गया। तो कहने का मतलब कि बॉयज़ की संख्या ज़्यादा हो सकती है और गर्ल्स की संख्या कम होगी। बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या बराबर होगी, कहीं कहीं पे बॉयज़ की संख्या कम होगी और गर्ल्स की संख्या ज़्यादा होगी। तो कुछ केसेस पॉसिबल नहीं होंगे, उन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ज़रूरी नहीं कि सारे केसेस, आप वन बाय वन जो मोस्ट हाईलाइटेड केसेस होते हैं वो सारे हमने यहाँ पे लिस्टेड किए हैं। पहला केस है कि ऑल द बॉयज़ सिट टुगेदर, ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर। कहने का मतलब लड़कियाँ एक साथ बैठे, लड़की लड़के एक साथ बैठे। दूसरा केस है ऑल द बॉयज़ सिट टुगेदर, लड़के एक साथ बैठे, लड़कियों पर कोई कंडीशन नहीं है। तो लड़कियाँ साथ बैठे या ना बैठे उनसे मतलब नहीं है, कंडीशन किस पे लगी हुई है, बॉयज़ बॉयज़ एक साथ दिखने चाहिए। ऐसा ही हो सकता है गर्ल्स एक साथ दिखनी चाहिए। नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर और ऑल द गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर, ये दो केसेस को स्टूडेंट्स हमेशा एक मानता है, या इन दो केसेस में डिफरेंस कहाँ पर है, अंतर कहाँ पर है, ये चीज़ समझ ही नहीं पाते हैं। तो इन केसेस पे बिल्कुल ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, और इस वाले केस को और इस वाले केस को कभी कभी वो क्या है, एक जैसा मान लेता है। तो ये लास्ट के जो 3 केसेस हमने लिए हैं, ये कंडीशन जो नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर है, ये कंडीशन बॉयज़ में भी लग सकती है कि नो टू बॉयज़ सिट टुगेदर, ऑल द गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर। तो ऐसा बॉयज़ के लिए हो सकता है, तो जो जो गर्ल्स के लिए लिया गया वो बॉयज़ के लिए हो सकता है। बट हमने बोला कि एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डिफर अगर करेंगे तो हो सकता है कि कुछ केसेस अराइज हो या ना हो। अगर आप इन सारे केसेस के आंसर या सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आगे वाले सेशन में जाएंगे, नहीं चाहते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है आगे पहुँचें। चलिए देखते हैं, हर एक केस को वन बाई वन कंसिडर करेंगे हम लोग, ठीक। बारी बारी से एक एक केस को हम लोग कंसीडर करेंगे। पहला केस आप पलट के देखिए कि वहां पे था कि ऑल द बॉयज एंड ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसा कुछ आए तो एक पिंजड़ा ले आएंगे। केस इन टर्म ऑफ फनी टर्म है, बट कहने का मतलब क्या है अभी समझ जाएंगे आप, ठीक है। ये बॉयज के लिए लाए हैं और ये गर्ल्स के लिए लाए हैं। सारे बॉयज कहाँ पैक कर दिए गए, 1 2 3 4, कुछ के बाल हैं कुछ के नहीं हैं, मूछें हैं जो, 1 2 3 4 5, ये कहाँ गया, इसको भी अंदर डाल दो भाई। सारे को 6 को यहाँ अंदर डाल दिया। गर्ल्स को एक चोटी वाली, दो चोटी वाली, जैसे भी हैं सब गर्ल्स, कितनी पैक की गई, 4। तो गर्ल्स और बॉयज़ को एक साथ पैक कर दिया गया। तो देखा जाए तो हमारे पास आर्टिकल या आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स, हम लोग यहाँ पर एक इंस्टेंट क्रिएट कर रहे हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स। हो सकता है कि लाल कलर की गेंदें और काली कलर की गेंदें हों, झंडे हों, किताबें हों। तो अगर एक चीज़ को मानक ले रहे हैं तो ये हर जगह अप्लाई होगा। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि वर्ड्स बनाते हैं तो वॉवेल्स साथ में आए, कॉन्सोनेंट साथ में आए। तो अगर आप ये प्रॉब्लम बॉयज़ और गर्ल्स की प्रॉब्लम कर लेंगे तो वर्ड्स में भी ये चीज़ आएगी, इवन नंबर एक साथ आए और नंबर एक साथ आए। तो कहने का मतलब आपके दिमाग में डाला कि ये प्रॉब्लम बॉयज़ और गर्ल्स ना लेके सारी प्रॉब्लम है कि प्राइम नंबर एक साथ दिखाई पड़े, को प्राइम या जो भी है स्पेशल केसेस एक साथ दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े। तो हमने बॉयज़ और गर्ल्स को एक एक आइटम मान लिया, यानी कि इसको माना वन आइटम। जब हमने इनको पिंजड़े में या बैग में या एक जगह रख लेते हैं तो एक एक आइटम हो जाता है, और ये भी वन आइटम हो गया। तो हमारे पास 2 आइटम्स हैं। 2 आइटम को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं भाई, 2 आइटम को ए बी और बी ए। भाई पहले बार बॉयज़ यहाँ रखे थे, गर्ल्स यहाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं।
ठीक है, तो हमें गर्ल्स और बॉयज को इंटरचेंज नहीं करना है, दो केज को क्या है आपस में, या गर्ल्स और बॉयज को अलग रखना है तो एक रूम में गर्ल्स को रख दिया, एक रूम में बॉयज को, ठीक है, पैक कर दिया। तो इन दोनों को रखने के लिए फैक्टोरियल टू, ठीक है, बॉयज एक दूसरे को बिल्कुल फिक्स तो कर नहीं दिया कि मतलब इनके पैर फिक्स कर दिए गए, ये आपस में मूवेबल है, ये कितने हैं, तो ये आपस में इधर उधर हो सकते कितने तरीके से, फैक्टोरियल सिक्स तरीके से, गर्ल्स कितने तरीके से, हाँ तो ये आपस में होती रहेंगी, साइमल्टेनियसली प्रोसेस चल रहा है, तो बीच में क्या प्लस है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ गए कि नहीं, तो बस आपको केवल और केवल पिंजड़े लाने सारी प्रॉब्लम, आप पांच बॉयज़ को बैठाना पहले सिखा चुके हैं, चार बॉयज़ को बैठाना पहले सिखा चुके हैं, चार लड़कियों को बैठाना पहले सिखा चुके हैं, तो चार लड़कियाँ फैक्टोरियल फोर में बैठेंगी और छः लड़के फैक्टोरियल सिक्स बेस में, शायद मुझे लगता है कि आसानी से आ गया होगा। ठीक, जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए, ये बहुत जेनरिक प्रॉब्लम है, जनरल प्रॉब्लम है, कहने का मतलब कि कोई वर्ड आप बना रहे हैं तो कॉन्सोनेंट साथ में दिखाई पड़े, वॉवेल साथ में दिखाई पड़े, लाल कलर के झंडे साथ दिखाई पड़े, नीली कलर की बॉल एक साथ आए और बॉयज़ एक साथ आए, तो गर्ल्स एक साथ आए, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, दो बॉयज़ एक साथ अगर आए हैं उनको एक आइटम मान लेंगे, वन आइटम, जैसे कि आप बहुत सारी आपकी बुक्स हैं उनको आपको हेडक है ले जाना, तो आप उनको बैग में रख लीजिए, तो बैग एक आइटम हो जाता है, तो किसी चीज़ को पैक कर दिया तो वो एक आइटम बन गया, तो सारे बॉयज़ को उन्हें पैक कर दिया, पैकेट बना दिया, पैक कर दिया है, एक दो तीन चार पाँच और छः सब एक हो गए, तो वन आइटम ये हुआ, और कितने आइटम और हमारे पास हैं भाई, इसको मजाक में लें तो ऑब्जेक्ट्स, कहने का मतलब है उसको हम एज अ ऑब्जेक्ट्स कर, हर चीज़ को एक एंटिटी एक ऑब्जेक्ट्स मान रहे हैं, तो गर्ल्स को भी क्या है, ये चार ऑब्जेक्ट्स हुए और एक ये हुआ, चार और पाँच कितने हुए, चार एक फाइव ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हुए, कितने हुए, एक दो तीन चार पाँच, तो पांच ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीके से आप रख सकते हो, पांच बॉयज को कितने तरीके से बैठा सकते हैं, पांच आइटम्स को कितने तरीके से बैठा सकते हैं, फैक्टोरियल फाइव, ठीक है। अब ये बॉयज आपस में, ये बात समझ आई ना, मतलब एक दो तीन चार पांच, पांच आइटम्स फैक्टोरियल फाइव तरीके से बैठ जाएंगे, हो कैसे जाएगा देखिए क्या है, एक बार क्या हुआ, बॉयज साथ में आए, गर्ल्स 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 और गर्ल्स, छोटी है तो इसका मतलब गर्ल्स हैं, ठीक है, ये बॉयज आ गए, एक तरीका ये होगा, ऐसा भी हो सकता है कि गर्ल्स फिर सारे क्या आ गए, बॉयज फिर गर्ल्स गर्ल्स और गर्ल्स, ठीक है, आप समझ गए होंगे, बॉयज यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी, जहाँ भी जाएंगे वो क्या होंगे, इकट्ठे एक इकट्ठे एक बंच में जाएंगे, एक बैग की तरह एक पैकेट की तरह चले जाएंगे, तो हमारे पास आइटम कितने, एक दो तीन चार पाँच, मगर देखिए क्या है, बॉयज आपस में भी तो इंटरचेंज हो सकते हैं, कितने तरीके से, बॉयज के लिए फैक्टोरियल सिक्स, तो एक साथ एक जगह रहें, बात समझ में आ गई होगी कि उनको क्या मान लेंगे, एक आइटम, बाकी को अलग अलग आइटम, टोटल आइटम को आप पहले अरेंज करेंगे, और जो आइटम एक माने थे वो आपस में भी क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, हुआ ना, बोलो कोई समस्या, अब देखिए ये इस प्रॉब्लम को तो जब भी देखते हैं बोलते हैं कि भाई नो टू गर्ल्स, कोई दो लड़कियां एक साथ दिखाई ना पड़े, कोई भी दो, तो एक सिंपल सी बात मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि कोई दो ना साथ में दिखाई पड़े, तो तीन तीन साथ में आ सकती हैं, चार साथ में आ सकती हैं, पांच साथ में आ सकती हैं, सारी साथ में आ सकती हैं, तो दो साथ में नहीं आने का मतलब क्या है, मतलब दो लड़कियां एक साथ ना आएं, इन दो लड़कियों को हम मिलने नहीं दे रहे, मेरी बात समझें, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम नहीं समझ पाएंगे, ये दो लड़कियां एक साथ नहीं आएं, तो जब दो को नहीं मिलने देंगे तो भैया तीन को मिलने देंगे, तो तीन लड़कियां साथ में आएंगी, नहीं आएंगी, तो नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर का मतलब है कि ना कोई भी लड़की किसी के लड़की के साथ दिखाई नहीं पड़ेगी, ठीक है, सारी लड़कियां साथ में आने वाला सवाल ही खत्म हो गया। तो एक क्वेश्चन आता है, ऑल गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर, अगर ये बात इसलिए कन्फ्यूजन, पहले इससे इसका कन्फ्यूजन हटाया जाए, यहां बोला गया नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर मतलब कोई भी लड़की किसी लड़की के साथ ना आए, यहां बोला गया ऑल गर्ल्स नेवर टुगेदर का मतलब सारी लड़कियां साथ में ना दिखाई पड़े, तो लड़कियां चार हैं तो चारों साथ ना दिखाई पड़े, मगर तीन लड़कियां साथ में आ सकती हैं, यस इसके लिए आ सकती हैं, उसने बोला कि सारी लड़कियां साथ नहीं दिखाई पड़ेंगी, ठीक है, जैसा कि किसी घर में बच्चे हैं तो उसने कहा सारे बच्चे एक साथ दिखाई नहीं पड़ेंगे, तो सारे नहीं दिखाई पड़ेंगे, एक काम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, दो काम हो जाए, तो लड़कियां दो लड़कियां साथ में यहां पे दिख सकती हैं, तो चार लड़कियां दी गई थी, चार में तीन साथ में आ सकती हैं, दो साथ में और
सिंगल सिंगल अलग अलग भी साथ में आ सकती हैं। तो ये केस तो बिल्कुल सेम है ही नहीं, मतलब किसी भी वेस तरीके से सेम है नहीं। इस केस को अगर आप सेम मानते हैं, इसमें डिफरेंस नहीं पैदा कर पा रहे, तो बहुत अब इनिशियल लेवल पे हैं। ठीक है, ये बात कन्फ्यूजन क्लियर हुआ। तो दो केस जो कंसीडर किए थे वो केस एक दूसरे से बहुत अलग हैं, ये आप जान चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, मतलब एक लड़की दूसरे लड़के के साथ दिखाई नहीं पड़ेगी, यानी लड़कियों को साथ में दिखाई नहीं पड़ना है, एक साथ नहीं मिलने देना है। जब भी ये बात होती है कि भाई किसी से मिलना ना हो, एक दूसरे को मिलने ना दिया जाए, तो बीच में क्या है, बहुत पुराने ज़माने हुआ करते मूवी में, क्या है, दीवारें बनवा दो। क्या बना दो भाई, हैं, हाँ, तो ये जो दीवार है ये कौन बनेगा भाई, बॉयज़। अब है कि नहीं, क्या बॉयज़ ही तो होंगे भाई, हाँ, तो बॉयज़। अब ये बताइए, बहुत सारे लोग क्या है कि सारे लोगों ने बोला कि एक रूम में लाइक जेल मान लो, तो जेल में सब लोग चाहते कि हमें जेल डाल दिया जाए। तो अब जेल आपके पास कम है और लोग कैदी ज़्यादा हैं, तो आप कैद कर पाओगे, मेरी बात समझ रहे कि नहीं हो पाएगा ना। तो अगर जैसे गर्ल्स अगर साथ में नहीं है, बॉयज़ कम हो, बॉयज़ क्या हो, कम नहीं हो पाए। जैसे यहाँ वाला केस लिया, नो टू बॉयज सिट टुगेदर, देखो, तो इसलिए हमने ये लिया है क्योंकि समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी, पॉसिबल नहीं है, मतलब नॉट पॉसिबल। अब ऐसा क्यों है, मैं बोल रहा हूँ अभी आपको समझाएंगे ऐसा क्यों है, समझ में आएगा। नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर में अगर ये केस करना है, तो सबसे पहले क्या करिए, बॉयज़ को पकड़िए। किसके लिए कंडीशन लगी है, गर्ल्स के लिए। तो जिसके लिए लगी उसको छोड़कर, जैसे बॉबल्स के लिए लगी हो तो कॉन्सोनेंट पकड़ेंगे, बॉयज़ को पकड़िए, बॉयज़ को पहले खड़ा कर दीजिए, जितने बॉयज़ हों, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बॉयज़ को हमने यहाँ खड़ा कर दिया। ठीक है, आप देखिए 6 बॉयज़ को खड़े करके बीच में जो गैप बने हैं, इनके बीच में जो गैप बने हुए हैं, आप उन गैप को कंसीडर करिए, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने बॉयज़ होंगे उससे एक ज़्यादा गैप बनेगा। क्यों, क्योंकि हमने अगल और बगल, मतलब एंडिंग पॉइंट है उनमें भी ये गैप कंसीडर किया है। ठीक है, अब यहां पर कहीं पर भी गर्ल्स अगर खड़ी होंगी तो बीच में कौन खड़े हैं, और बॉयज क्या करेंगे, मिलने देंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसलिए क्या है, एक दूसरे को ना मिलने के लिए बॉयज हमारे ना मिलने को काम कर रहे हैं। तो बॉयज को पहले खड़ा किया गया, कितने बॉयज हैं, 6 बॉयज, खड़े होने में कितना टाइम लगेगा, कितना काम करना पड़ेगा, फैक्टोरियल सिक्स तरीके से बॉयज खड़े हो गए, दीवारें बन गई, 6 दीवारें बनी, स्पेस कितने आए, 7, कितने आए, 7 स्पेस हमारे पास क्रिएट हुए, 7, और बैठाना कितने को है, 4 को, 4 को 7 जगह बैठाना है। ठीक है, बॉयज़ के साथ तो आपको पता ही होगा 7P4 या फैक्टोरियल 6, 7, 6, 5 और 4 इस तरीके से बैठा देंगे। ठीक है, अब एक बात और समझनी है जो लोगों को समझ नहीं आती है। देखिए, गर्ल्स सपोज यहां बैठ गई, एक गर्ल्स यहां बैठ गई, एक गर्ल्स को हमने यहां बैठा दिया, मेरी बात समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, एक गर्ल्स यहां बैठ गई और एक गर्ल्स यहां बैठी। तो देखो, ये जो 1, 2 और 3 और 4 ये बॉयज के बीच में गैप नहीं रहेगा भाई, ये वर्चुअल गैप बनाए हमने, क्या माने हैं जब यहां पर उन्होंने स्पेस लिया ही नहीं, यहां बैठने नहीं गया, तो इसका मतलब ये तीनों बॉयज क्या हैं, साथ में। तो कहने का मतलब लड़कियां एक साथ नहीं मिलेंगी, लड़के एक साथ हो सकते हैं, नंबर आप अगर बॉयज बहुत ज्यादा हैं तो ठीक है, तो लड़कियां एक दूसरे दो लड़कियों के बीच में 3 बॉयज आ सकते हैं, और कितने, 2 भी आ सकते हैं। अब देखो, ऑल्टरनेट प्रॉब्लम, जो ऑल्टरनेट वाली प्रॉब्लम थी उसको डिस्कस करेंगे, अब वाली प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे, पहले इस वाली प्रॉब्लम कर देते हैं। यहां बोला गया कि नो टू बॉयज सिट टुगेदर, तो मैंने बोला बॉयज के लिए आया है, तो जो जिसके लिए कंडीशन ली गई है उसको छोड़कर, तो यहां गर्ल्स को पहले क्या बनाएंगे, बॉल, तो गर्ल्स को दीवारें बनाई गई, 1, 2, 3 और 4 लड़कियां खड़ी हुई, स्पेस कितने क्रिएट हुए, ध्यान दें, 1, 2, 3, 4, 5 अब कैंडिडेट कितने हैं, 6 कैंडिडेट हैं, और स्पेस कितने हैं, 5, तो 5 स्पेस है, 6 लोग 5 स्पेस पे बैठ पाएंगे, तो यहां पर ये प्रॉब्लम पॉसिबल नहीं है। हमेशा जिसके लिए कंडीशन लगी है, तो अगर गर्ल्स के लिए कंडीशन लगी तो गर्ल्स की संख्या हमेशा बॉयज से क्या होनी चाहिए, कम, गर्ल्स की कंडीशन बॉयज से कम, मतलब गर्ल्स मस्ट बी लेस देन
लेस देन आर इक्वल टू, आर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज, वो वहां पे देगा। उसने बोला कि एन ऑब्जेक्ट हैं या एन बॉयज हैं और आर गर्ल्स हैं, तो नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, तो हमेशा कंडीशन देगा कि आर जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू एन होगा या एन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा, इतना बोलेगा। अदरवाइज पॉसिबिलिटी पॉसिबल प्रॉब्लम नहीं है, नॉट पॉसिबल हो जाएगी। अब जैसे अल्टरनेट प्रॉब्लम लेते हैं, क्या लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेट अल्टरनेट। अब देखिए यहां पर अगर सिक्स बॉयज हैं और फोर गर्ल्स हैं तो अल्टरनेट हो ही नहीं पाएगा, अल्टरनेट पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कब होगा? जब नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो, सेम हो। नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होना चाहिए, सेम। क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, सिक्स हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, फोर है, तो अल्टरनेट हो ही कहां पाया। देखो लड़कियां फिर कितने हैं, लड़के, फिर क्या लड़कियां, तो लड़कियां और लड़कियों के बीच में लड़के कितने आ गए, तीन। जबकि आना क्या चाहिए था, लड़के लड़की, तो देखो लड़की से शुरुआत की, गर्ल्स से, गर्ल्स आई, फिर बॉयज आ गया, फिर गर्ल्स आनी पड़ेगी अल्टरनेट के लिए, फिर क्या आएगा, बॉयज आएगा, फिर क्या आएगी, गर्ल्स आएगी, फिर क्या आएगा, बॉयज आएगा। अब एक दो तीन, फिर गर्ल्स आएगी, फिर क्या आएगा, बॉयज आया। अब एक दो तीन और चार, अब उसके बाद क्या आ जाएगा, बॉयज आएगा। एक दो तीन चार पाँच, फिर क्या आएगा। तो भाई अल्टरनेट के लिए नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज कैंडिडेट क्या होने चाहिए, मस्ट बी सेम। तो ये प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम से तब सेम समान होगी, एजीसी होगी, जब क्या हो, कैंडिडेट सेम हो। ठीक है, वो लास्ट वाला केस भी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे गर्ल्स और बॉयज अल्टरनेट बैठेंगे, बट इस कंडीशन में अगर सिक्स बॉयज हैं और फोर गर्ल्स हैं तो अल्टरनेट की कंडीशन पॉसिबल नहीं है। वहां पर हमें दोबारा कंसिडर करने पड़ेगी ऑब्जेक्ट की संख्या, तो हम पांच लड़कियों को और पांच लड़कों को कंसिडर करके चलेंगे। ठीक।